प्राकृतिक खेती में देश भर में नाम कमाने वाले हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान गुजरात सहित अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका में जल्द ही नजर आएंगे। ये जानकारी वीरवार को शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित एक दिवसीय उत्कृष्ट किसान सम्मेलन के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कही। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री समेत प्राकृतिक खेती से जुड़े अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। आज पीटरहॉफ शिमला में प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह और कृषि सचिव और कृषि अधिकारियों के बीच में प्रदेश के प्रबुद्ध किसानों की एक कार्यशाला रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का जो मिशन बढ़ रहा है उसे एक जन आंदोलन बना दिया जाए और गुजरात देश का प्राकृतिक खेती की दृष्टि से नेतृत्व करे। मुझे अपार प्रसन्नता है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पूरा कृषि विभाग बड़े मनोयोग से प्राकृतिक खेती के इस मिशन को बढ़ा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय 170,000 किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं और अब हम इस प्रदेश से कुछ ऐसे प्रबुद्ध किसानों की टीम तैयार करना चाहते हैं कि जो पड़ोसी प्रदेशों में जाकर लोगों को प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग दे सकें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, तो उनका मिशन है कि प्राकृतिक खेती का मिशन पूरे देश में चले। इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। तो ये मिशन पूरे देश भर में चलाने का निर्णय लिया गया है और उसी उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यशाला को संपादित किया गया।